कैसे हो आप सब। मैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हूँ। आई होप आप भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होंगे। और आज मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग लेके आ रही हूँ। सॉरी बिकॉज ऑफ क्या था, मेरे ट्यूशन लगा हुआ था आजकल, बिकॉज अब मेरे स्कूल्स रीओपन होने वाले थे। मैं तब तक ट्यूशन यहाँ नहाली के वहाँ आई हूँ, तो जय भी ऐसे पढ़ लेती हूँ। तो जय भी ऐसे यहाँ ट्यूशन चल रहा था तो टाइम नहीं मिल रहा था। एंड अभी आज मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। इससे पहले हम डोल आश्रम भी गए थे परसों, बट मैंने बनाया नहीं क्योंकि मैंने उससे पहले ही डोल आश्रम का बनाया था। मैंने चाहा कि फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा ना फिर बार बार एक ही ब्लॉग देखना। तो बाकी आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम दूनागिरी जा रहे हैं। तो दूनागिरी का शायद मैंने आज से पहले बनाया भी नहीं है व्लॉग। बाकी मैं अपना आउटफिट भी दिखा देती हूँ, और जो हमेशा की तरह मेरा कोको यहाँ पे मार खा के बैठा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहा था गाइस, तो इसे मारा है एक सबने, मतलब सबने नहीं, आई डोंट नो किसने मारा है, बट इसने मार खाई है। कोको देखो देखो देखो, बात भी नहीं करना चाह रहा है कोको। बाकी अभी चलते हैं। और ये ड्रेस मैंने इसलिए पहनी क्योंकि मैंने ना इसको बहुत टाइम से पहना ही नहीं है, एक ही बार पहना है, तो मैंने ये ड्रेस पहनी है। बाकी आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी और फिर चलते हैं। सो गाइस, दिस इज़ माय शरारा सूट जो कि मैंने रिसेप्शन में पहना हुआ था विशाल मामा की। एंड यहाँ पे ना मेरा ट्राईपॉड सेटअप होने में टाइम लगाता है, तो ये वाला सूट पहना हुआ है मैंने। बाकी अभी चलते हैं। और देखो बेचारा मासूम सा कैसे बैठा है। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज इस बार हम बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। और अभी टाइम हो रहा है, टाइम ही नहीं दिखता यार मेरी वॉच में, 5:37 सुबह के हो रहे हैं। और देखो मौसम, बाकी आई एम सो एक्साइटेड। अभी चलते हैं और शायद से हम जल्दी पहुंच जाएं, इसलिए अभी हम जल्दी उठे हैं, जल्दी तैयार हो गए हैं, अभी चलते हैं। बाय बाय। गाइस, जैसा कि आपको तो पता ही है मैं चिप्स वगैरह खाए बिना कहाँ ही रह सकती हूँ, तो देखो मैं अभी यहीं से स्टार्ट होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम लोग ऑन द वे हैं और अभी हम मार्केट साइड को पहुँचे हैं, काठगोदाम साइड को। अभी चलते हैं आगे। बाकी इनको देखो, और आज बहुत अच्छे से वीडियो बन रही है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे से इनके ये निकाले हुए हैं। सो एंजॉय करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग रुके हुए हैं यहीं पे, मतलब जहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं खैरना में। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं पराठे वगैरह। मैं बाहर आई हुई हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, और अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ। भीमताल का इसलिए नहीं लिया बिकॉज भीमताल तो हर व्लॉग में आता है। बाकी अभी हमारा ब्रेकफास्ट आने देते हैं, फिर आपको। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और उसको देखो, भैया आ जाओ, ये अभी अभी सो के उठा है ना, तो गुस्से में है। ब्रेकफास्ट आ चुका है। आपको अच्छा लग रहा है पलाजा आलू का? अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं और मैंने और भैया ने किंडर जॉय लिए हुए हैं। बाकी अभी चलते हैं और मिलती हूँ आपको जहाँ हम रुकेंगे। गाइस अभी हम लोग रानीखेत पहुँच चुके हैं और यहाँ ना पूरा आर्मी कैंप है। तो गाइस ये यहाँ का ग्राउंड है जहाँ पे मतलब स्टेडियम है, देखो नर्सिंग स्टेडियम। ये है यहाँ पर रानीखेत की मार्केट। अभी हम लोग हैं रानीखेत की मार्केट में, कि अभी आगे जा रहे हैं। ये है आर्मी का मिलिट्री, यहाँ पे ट्रेनिंग करती है और यहाँ पूरा ग्राउंड है। तो गाइस वो सारे आर्मी वाले भैया थे और वो यहाँ एक्सरसाइज करके जा रहे थे। गाइस अभी हम लोग गोल्फ ग्राउंड के वहाँ पे को हैं, और वैसे तो अभी इसकी टाइमिंग नहीं है खुलने की, अभी बंद है। और हमारे कार के पीछे ना एक बंदर रो रहा है, आई डोंट नो क्यों रो रहा है, वो कर रहा है हमको देख के, पता नहीं या तो उसे भूख लगी होगी या फिर कुछ। देखो यहाँ से गोल्फ ग्राउंड कितना सही लग रहा है।
बाकी इधर भी है। यहाँ पे ना दो गोल्फ ग्राउंड है, इधर और एक उधर, मतलब वहाँ से शॉट मारते तो यहाँ थे। पहले से ना जब मैं छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, मैं यहाँ आती थी तो यहाँ ना ऐसे ही चले जाते थे हम सुबह से लेके शाम तक, खुला रहता था मतलब। बट अब इसकी टाइमिंग हो चुकी है तो ये अभी नहीं खुल रहा, शायद से शाम को 3 बजे बाद खुलता होगा। उधर कॉटेज देखो कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ ठंडा बहुत है। आपको मौसम दिखाती हूँ यहाँ पे से। तो गाइस काला बादल छाया हुआ है और आई डोंट नो कब ये बारिश करके हमें भिगा देगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब मौसम ना पूरा कैप्चर नहीं हो पा रहा है। यहाँ से देखो सो गाइस ये मम्मी बुआ पापा ये तीनों आ रहे हैं। तो ये मेरी बुआ नानी है, मतलब मेरी मम्मी की बुआ, तो मेरी बुआ नानी। अभी बाकी हम उधर वाले गोल्फ ग्राउंड में जा रहे हैं, जो उधर वाला है, अभी चलते हैं और मामा पीछे से कार लेके आएंगे। अभी अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी अच्छी खासी वॉक हो गई है, बाकी हमारी बहुत प्यारी वॉक हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे गाय देखो कितनी सारी आई हुई हैं। सो गाइस हमारा लग अच्छा है, जो हमें यहाँ गोल्फ ग्राउंड खुला मिलने वाला है तो हमें वो अंकल हमें यहाँ खोल के देंगे। सैल्यूट अंकल, सैल्यूट। अभी अंकल हमें खोल के देंगे। आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैं बहुत टाइम भी बाद आ रही हूँ गोल्फ ग्राउंड, और गोल्फ ग्राउंड में आई भी थी, आपको दिखाया भी था, बाकी अंदर नहीं गए थे। अभी अंदर जाएंगे, अब हम वाले में जा रहे हैं, वो छोटा वाला है, हम बड़े वाले में जा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड गाइस, हम आगे वाले गेट से जाने वाले हैं, आगे के गेट खुलने वाला है। बाकी अभी फिर से अगेन वॉक, पैदल चलो। और हाँ मैं अंकल बोल रही थी, भैया दौड़ दौड़ के जा रहे हैं गेट खोलने के लिए। सो गाइस अभी भैया आए हुए थे गोल्फ ग्राउंड का वो खोलने के लिए, बट वो चाबी गलत ले आए तो दोबारा गए हुए हैं लेने के लिए, और इतनी जल्दी वहाँ पहुँच भी गए हैं, मतलब वो इतनी जल्दी हाँ ले रही हूँ एक मिनट पे, वार्निंग भी दी है। और अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे, बाकी मैं मामा की फ़ोटो लेती हूँ। जब तक ये गेट खुलता है तब तक हम थोड़े बहुत बाहर से ही पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स आएगी इतने बड़े पेड़ों के साथ, बाकी थोड़े सिनेमैटिक से वीडियोस के शॉट ले लेती हूँ। और यहाँ मेरे मामा का फोटोशूट चल रहा है। गाइस भैया ने इतना थकाने के बाद फिर से ये वाला गेट खोल दिया जो कि बीच में है। भैया ने हमको उधर से फिर यहीं बुला लिया, हम थक चुके हैं और फाइनली वी आर एट गोल्फ ग्राउंड। यू यहाँ मम्मी और बुआ का फोटोशूट चल रहा है बढ़िया सा, और यहाँ से आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू गोल्फ ग्राउंड का। सो गाइस ये है बहुत ही प्यारा सा गोल्फ ग्राउंड। गाइस अभी मैं और मामा जा रहे हैं उधर पेड़ के वहाँ पे फोटो क्लिक करने, बाकी ये लोग भी आएंगे अभी, हम चलते हैं। नहीं इंस्टाग्राम में अभी चलते हैं। यहाँ से देखो सो गाइज यहाँ पे गोल्फ ग्राउंड के मिडिल पे ये इतने प्यारे से ट्रीज लगाए हुए हैं, बाकी और ये देखो यूवी और मम्मी को, हाय यूवी, हेलो। हाँ यहाँ पे मेरी बुआ नानी बहुत ही बढ़िया से पोज देते हुए, और बाकी यहाँ अभी हम लोग सारे पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, और मौसम तो वाह क्या ही बन रहा है। मैं इंजॉय करने दो, पिक्चर्स क्लिक करने दो, फिर आपसे मिलती हूँ। और यूवी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है, शायद से यूवी इसके अंदर पहली बार आ रहा है, फर्स्ट टाइम है उसका शायद से, तो वो दौड़ गया। बेबी कम है यार, कितना छोटा सा लग रहा है। इसी की फोटोज ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और यहाँ फोटो शूट चल रहा है। गाइस हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक कर ली है, मैं यहाँ पे डाल दूंगी, बाकी आप देख लेना। और यहाँ पे देखो फोटो शूट, इट्स कॉल्ड अ फोटो शूट। सो अभी इनको फोटोज क्लिक करने देते हैं, बाकी मैंने और मामा ने भी फोटो खींची है, वो भी आपको भेजूंगी, मतलब भेजूंगी क्या इसमें,
आपको दिखा दूंगी, तो आप जाके देखो। जितनी भी फोटोज क्लिक करी है मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी है, मतलब जितनी मेरे पास हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की साइड, अभी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। सो गाइस, मुझे तो नींद आने लगी थी बट मैं सोई नहीं, बिकॉज एक तो इतनी अच्छी हवा चल रही है। बाकी अभी हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे से रास्ता है, दिखाती हूँ। अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं और हम लोग लाए हुए थे, मतलब यहीं से ली हमने, क्या बोलते हैं, पहाड़ी ककड़ी। तो अभी चलते हैं, पहले पहाड़ी ककड़ी ली थी। हाँ, यहाँ बैठने का अच्छा है, दिखाती हूँ ऊपर ये की व्यू। अभी इनको निकालने देते हैं ककड़ी वगैरह, फिर आपसे दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। गाइस, अभी मैं खा रही हूँ ककड़ी जो कि पहाड़ी है। देखो कितनी बड़ी है ये, बेसिकली आपको लग रहा होगा, और सारे के सारे बैठे हुए हैं। एंड इधर ना इतना प्यारा है ऊपर को, मतलब वहाँ पे कोई ऐसे चढ़ने का टाइप है, तो शायद से अभी मैं कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, देखते हैं। बहुत ज़्यादा मीठी हो रही है। यहाँ से जो रास्ता है ना, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, यहाँ से भी ऊपर को गया है और रोड वहाँ है, तो ये रोड वहीं मिलती है, तो शायद हम यहाँ से भी जा सकते हैं, देखते हैं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। बाकी मैं ये खान दूँ, बाय बाय।